अस्सलाम अलैकुम लेट्स डिस्कस लीनियर इनइक्वालिटीज सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर इनइक्वालिटीज की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले मैं ये आपसे डिस्कस करता चलूंगा कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं बेसिकली सो so, हम इतने ज़्यादा फॉर्मल वे में नहीं इनको डिस्क्राइब करेंगे तो जब आपके पास कोई भी अलजब्रा एक है ना अलजबरा के एक्सप्रेशन कोई भी आपके पास है और उसके साथ आपके पास कोई इनिक्यूलिटी आ जाती है अब इनक्यूलिटीज़ कौन सी होती हैं सिंबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो वो ये ग्रेटर देन इक्वल या आपके पास लेस देन इक्वल या ग्रेटर या लेस ये होती हैं ठीक है जिस साइड इसका फेस होता है वो ग्रेटर को शो करता है जिस साइड इसकी ये बैक साइड ये होती है इस तरह से तो वो लेस होता है तो इसको हम ज़्यादा फर्दर जो है डिस्क्राइब करते हैं आगे चल कर तो ये इनिक्यूलिटीज़ क्या होती हैं अलजब्राइक एक एक्सप्रेशन के अंदर जब भी आपके पास कोई इनिक्वलिटी नज़र आए तो आप कहेंगे कि ये आपकी एक इनिक्वेलिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक्स प्लस थ्री एक्स इज ग्रेटर टू जीरो ये भी एक इनिक्यूलिटी है आ, इसके अलावा अगर आपके पास है एक्स क्यूब माइनस थ्री प्लस फाइव, ये भी एक इनिकटी है और इसी हिसाब से आपके पास और भी बहुत सारी इनिकटीज हो सकती हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लेस देन जीरो ये, ये सारी इनिक्यूलिज हो सकती हैं इस तरह से अब वो अलग बात है कि इनमें से कौन सी इनिक्यूलिटीज़ uh, हैं जो एक्स की वैल्यूज़ के लिए कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो है वो सॉल्व होंगी ये एक अलग बात हो जाएगी जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन ज़ीरो सारी इनिक्यूलिटीज़ हैं आपके पास ठीक है अब बात करते हैं कि लीनियर इनिक्वेलिटीज कौन सी होती हैं तो लीनियर इनिक्यूलिटीज कौन सी होनी चाहिए लीनियर इनिक्यूलिटीज जब आपका जो अलजबरा एक एक्सप्रेशन है वो लीनियर होना चाहिए यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल याद रखें ये हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं ठीक है ना ये लीनियर इनक्यूलिटी एंड सिंगल वेरिएबल है द पावर ऑफ वेरिएबल इज लेट्स से दाइएस्ट पावर आई पावर ऑफ वेरिएबल पुलिस वन और आ, जो पावर है वो आपका हाईस्ट वन होना चाहिए और वो इंटीजर पावर होना चाहिए मतलब वन हाफ ज़ीरो पॉइंट फाइव ये पावर नहीं होना चाहिए तो हम सिंपल अगर इसको मैं समराइज करूँ तो वो आपकी जो लीनियर इनक्यूलिटी होगी वो या तो इस फॉर्म की होगी एक्स प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एक्स प्लस बी फॉर एग्जाम्पल लेस देन इक्वल टू जीरो या एक्स प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो या ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो होनी चाहिए इस तरह जो भी इस तरह की फॉर्म में आ सकती है इनक्वालिटीज वो लीनियर होंगी यानी अनदर वर्ड्स ये जो पावर ऑफ वेरिएबल है ये वन होनी चाहिए आपकी इंटीजर पावर इंटीजर होनी चाहिए और वो वन होनी चाहिए ये इस तरह से अगर मैं आपसे ये एक एग्जाम्पल के तौर पर शेयर करता चलूँ कि अगर आप करते हैं कि ए एक्स प्लस यहाँ पर भी वन आ रही है ना हाइएस्ट वन है लेकिन इसके अंदर ये जो वन हाफ पावर आ रही है ना ये एंटीजियर पावर नहीं आ रही है. तो एक तो एंटीजियर पावर वाला ट्रम होना चाहिए और उसके अलावा वन वाला पावर वाला होना चाहिए बाकी कोई वन हाफ़ जीरो पॉइंट फाइव इस तरह की कोई पावर नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए तो सिंपल कहने की बात यह है कि एक तो एक्स वाले टर्म्स होने चाहिए यानी कि वेरिएबल वाई भी हो सकता है जेड भी हो सकता है और दूसरा कुछ कांस्टेंट नंबर्स की तरह होने चाहिए इस तरह से तो ये सिंपल सा इनफॉर्मल जो है आपको इंट्रोडक्शन मिला है छोटा सा अब बात करते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट जो इनिक्वलिटीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं

माइनस का हो जाएगा फाइव माइनस सिक्स यानी ये हो जाएगा एम ग्रेटर देन माइनस वन ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस निकलिटी का अब इस सोल्यूशन को अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं कि इसका क्या मतलब है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास ये ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये नंबर से आपके पास माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो इस सोल्यूशन का मतलब है कि आपकी जो भी वैल्यूज हैं ग्रेटर देन माइनस वन वो सारे सोल्यूशन में आएंगे लेकिन माइनस वन नहीं आएगा तो ये माइनस वन नहीं आएगा ये ओपन रहेगा बाकी इससे इस, इस साइड जो भी वैल्यूज हैं एम की वो सॉल्यूशन में आएंगी ठीक है ना यानी एम आपका माइनस वन से बड़ा कोई भी हो सकता है सही है ना तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका लेट्स मूव टू एग्जाम्पल टू दूसरा एग्जांपल कर लेता हूँ आपके लिए और वो है आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल जेड माइनस नाइनटीन ग्रेटर लेट से ट्वेंटी ठीक है तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपका जो माइनस का ये इस साइड टर्म चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और आपका जेड जो है वो ग्रेटर हो जाएगा आपका थर्टी नाइन से तो इस सोल्यूशन को अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि आपके थर्टी नाइन से बड़ी जो भी वैल्यूज हैं वो आपके सोल्यूशन में आएंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ जीरो है यहाँ रख लेता हूं दस बीस तीस चालीस लेट से यहाँ पर थर्टी नाइन है कोई तो इस सोल्यूशन का मतलब यह है कि थर्टी नाइन से बड़ी जो भी वैल्यूज हैं थर्टी नाइन इंक्लूड नहीं है इससे आगे ये सारी वैल्यूज़ इस सोल्यूशन में आएंगी ठीक है ना मोर हियर फॉर एग्जांपल आपके पास है माइनस सिक्सटी सेवन प्लस एक्स एंड दिस इज ग्रेटर टू माइनस फोर्टी एट इसको कैसे करेंगे सॉल्व तो ये जो एट है ये माइनस का ये दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो एक्स आपका हो जाएगा ग्रेटर टू माइनस फोर्टी एट ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस सिक्सटी सेवन तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें माइनस के फोर्टी एट है प्लस के सिक्सटी सेवन है तो आई गेस यहाँ पर आपके पास रह जाएंगे नाइनटीन तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू तो नाइनटीन है हाउ विल सी दिस सोल्यूशन ऑन लाइन फॉर एग्जाम्पल रियल लाइन के ऊपर इसको देखना चाह रहे हैं आप लेट से यहाँ पर जीरो है वन है सॉरी नॉट वन लेट से दिस इज फाइव दिस इज टेन दिस इज फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सो ऑन सो फोर तो ये ट्वेंटी से पहले यहाँ नाइनटीन आएगा यहाँ पर तो ये जो सोल्यूशन है आपका ये नाइनटीन uh, भी शामिल है और नाइनटीन से आगे जो भी वैल्यूज है वो इसका सोल्यूशन में आ जाएंगी ठीक है ना ओके सो इसके बाद लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है थ्री माइनस एक्स ग्रेटर इसको कैसे सॉल्व किया जाए तो इसको तो ये तरीका है कि आप क्या करें ये जो एक्स आपका माइनस का है ना इसको आप इस साइड ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये टेन प्लस का है इस साइड ले माइनस का हो जाएगा वहां से भी आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा थ्री को यहीं रहने देते हैं टेन इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये X इस आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास माइनस सेवन ये एक्स इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है वो एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन है तो ये लाइन पर किस तरह से देखना चाहिए आपको जीरो uh, है फॉर एग्जांपल माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट फॉर एग्जांपल इधर भी हैं वैल्यूज वन टू लेकिन हमारी जो काम की वैल्यूज हैं वो है जो कि माइनस सेवन के, के बराबर है या उससे कम है तो ये माइनस सेवन है आपका तो इससे कम वाली ये वैल्यूज आपके सोल्यूशन में आएंगी साइड जो भी वैल्यूज आएंगी आई होपट दैट इजिंग कुछ और एग्जाम्पल्स करता हूँ तो ये चार एग्जाम्पल आपके लिए थीट अभी हम अगली वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इसी वीडियो के अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स में डिस्कस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये भी एक क्वेश्चन uh, है uh, that is, This is example five and it says that uh, you have seven plus b less than uh, minus five. So अब इसको किस तरह सॉल्व आपको b को अकेला करना है ना तो ये माइनस का है, इसको सिंपल प्लस का कर दें एक तरीका ये हो सकता है क्योंकि पी b है ही प्लस का वेरिएबल प्लस का रहना चाहिए जिस भी साइड हो तो ये इधर अगर कर देते हैं आप लोग इसको स्वेप शिफ्ट तो ये आपके पास b जो है वो लेस देन टू हो जाएगा तो इस सोल्यूशन को आप आराम से प्लॉट भी कर सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो वन सो फोर्थ तो आपका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली टू टू है या टू से छोटा वैल्यू जो भी है तो टू शामिल नहीं है सॉरी टू नहीं है टू से छोटे सारी वैल्यूज़ जो भी है ये आपका सोल्यूशन है ये जो ब्लू से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर और भी है जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट टू सॉल्व लेट्स सोल्वे इज लेस देन वन जीरो मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ देखिए यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ना ट्वेल्व ये प्लस का है इसको इस साइड लेकर डिवाइड कर सकता हूँ जैसे हम इक्वेलिटी के अंदर करते हैं लेकिन ये प्लस का होना चाहिए तो 12 प्लस का है इसको दूसरी साइड ले जाकर आप डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो अब आपका p जो है ये टेबल लगा लेंगे तो 9 टाइम जाएगा तो इसका मतलब इससे न्यूमेरिकल का सलूशन जो है वो p लेस देन 9 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेकिन हमारा जो वैल्यू काम का है वो 9 से छोटे वाले वैल्यूज सलूशन में आएंगे तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये वैल्यू नाइन शामिल नहीं होना चाहिए नाइन से छोटी सारी वैल्यूज इस सोल्यूशन में आएंगी ओके सो लेट्स लेट्स डू सम मोर। फॉर एग्जांपल आई विल कंसीडर नाउ। लेट्स से माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स लेस देन इक्वल टू लेकिन जो है ना की है तो माइनस के साथ जब भी आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जाए या को में, तो इस साइन को आपको चेंज करना होता है इन के अंदर ये थोड़ी सी जहमत आपको करनी पड़ती है तो आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे माइनस फोर फाइव नाइन डिवाइड बाई माइनस ट्वेंटी सेवन देखें ये लेस देन इक्वल इस तरह से थी साइन उसको मैंने चेंज कर दिया है तो अब ये टेबल आप लगा लें तो ये ठीक है? तो मतलब है वो ग्रेटर टू इसको अगर रियल लाइन पे देखना चाहे आप लोग तो यहाँ पर लेट से जीरो है टू है, है लेट से ये फाइव है ये टेन है ये

अब मुझे इसको सॉल्व करना ये एक इनिक्यूलिटी है देखिए ये मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना तो ये माइनस का नाइन जो है इसको मैं इधर जाकर जो डिवाइड कर रहा है एक्स को इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा लेकिन ये माइनस का है तो माइनस वाला जब भी इनिक्यूलिटी में मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा या डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये साइन चेंज होगी तो ये लेस देन इक्वल टू थर्टीन इंटू माइनस नाइन इस साइन को मैंने चेंज कर दिया है आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर तो ये एक्स लेस देन इक्वल टू आ, ये बन जाएगा आपका माइनस का इट्स वन वन सेवन तो इसका मतलब एक्स आपका का लेस इक्वल टू माइनस वन वन सेवन है तो इसको सॉल्यूशन पर कैसे देखेंगे लेट्स से यहाँ जीरो है यहाँ फॉर एग्जांपल फिफ्टी है यहाँ हंड्रेड है यहाँ लेट्स से वन फिफ्टी है तो ये वन फिफ्टी और हंड्रेड के बीच में कहीं पर आएगा वन वैल्यू तो ये वन या उससे कम वैल्यू है यानी ये वन वन से